हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यूक्वेंस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड थ्री का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आने के चांसेस भी एग्जाम्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ 60% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी, ठीक है, देन आपको फाइंड करना है ए रेशियो एंड देन बी। तो अब सबसे पहले यहाँ परसेंटेज, तो परसेंटेज को हम लोग जब रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, और जब परसेंटेज में लाना होगा तो 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग ये 60 एंड देन परसेंटेज को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 100 एंड देन ऑफ मीन्स इंटू हो गया। सो ए दैट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/4 ऑफ मीन्स हो गया आपका इंटू एंड देन बी। तो ए इज टू बी मीन्स क्या होगा कि ए बाई बी आपको निकालना है ना, ठीक है। तो अब ये बी को यहाँ लाना है, बाकी को उधर ले जाना है। तो पहले अगर छोटा हो जाए तो छोटा कर लेंगे हम लोग, जितना छोटा हो जाए छोटा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखोगे इक्वल है, सब इंटू है, तो ये ऊपर ऊपर भी कैंसिल होगा, याद रखोगे आप, ठीक है। ये गया आपका 2 times, ठीक है। अब ये 2 से ये 10 को कैंसिल कर देते हैं, 5, क्लियर। तो अब बचा यहाँ पे ए एंड देन इसको नीचे लाओगे तो ए बाई बी, अब यहाँ देखो नीचे क्या है, 5 है, उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, ऊपर होगा, यानी 5 ऊपर और नीचे हो गया आपका 4। सो अब ये ए बाई बी मीन्स क्या हो गया, ए रेशियो बी। सो ये हो गया आपका 5:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5:4, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, एक्सप्रेस 2 1/4 इन परसेंटेज, यानी आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो सबसे पहले देखोगे दोस्तों, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इस इन दोनों को सबसे पहले इंटू करेंगे एंड देन प्लस वन करेंगे। तो 4 2 8 + 1, ये हो गया आपका 9/4। अब किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में लाना होगा तो आपको कितने से इंटू करना होगा, 100 से। अब ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। अब इसको इंटू करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से 100 गया ये 25। 25 को 9 से इंटू कर दे तो ये हो गया 4 times होता है 100, 8 times हो गया 200, और ये हो गया 9 यानी 1 times यानी 25 यानी 225, ठीक है, परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 225%, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, इफ 40% ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 60% ऑफ ए माइनस बी, देन आपको फाइंड करना है 2a - 3b डिवाइड बाई ए प्लस बी, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखोगे ये इक्वल है, ठीक है ना। अब ये इंटू है, ऑफ मीन्स इंटू, और ये एक ब्रैकेट में, ये भी क्या है, ये एक इंटू है ना, यहाँ भी ब्रैकेट है, यानी ये इसके साथ ही क्या है, ये मल्टीप्लाई है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज परसेंटेज को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये 0 0 भी क्या, जितना छोटा होगा यहाँ से छोटा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये परसेंटेज परसेंटेज डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 100 नीचे आएगा, यहाँ का 100 नीचे, नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये गया आपका 2 से 2 times, सो 2 एंड देन ए प्लस बी, और ये 6 गया 2 से 3 times, तो ये हो गया 3 एंड देन ए माइनस बी, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ए और बी पे हम लोग पहले रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2a एंड देन यहाँ से आएगा 3a, तो इस साइड लेकर आओगे तो -3a और इक्वल्स टू, अब ये -3b, और यहाँ का देखोगे b है 2b, उस साइड लेके जाओगे तो -2b, तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक -a, और ये हो जाएगा -5b। सो a बाई अगर b कर दें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो a बाई बी करोगे तो 5 ऊपर है और नीचे हो गया आपका 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे a के प्लेस में 5 को एज्यूम करेंगे और b के प्लेस में 1 को एज्यूम करेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो गया आपका 2a, यानी हो गया 2 से a को इंटू करेंगे, यानी 2 × 5, तो 5 + 2 हो गया 10 एंड देन -3b, तो 3 × 1 करेंगे तो ये हो गया 3 और डिवाइड बाई a प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 5 + 1, ये हो गया आपका 6, तो ऊपर हो गया आपका 7, नीचे हो गया आपका 6, तो आंसर हो गया 7/6, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 60 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 kg, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे, अब ये सेकेंड क्वांटिटी जो है 240 kg, अब ये बड़ा क्वांटिटी है और इस पूछ रहा है कि 60 kg जो है इसका कितना परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको करना क्या है, जब परसेंटेज में आपको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज जब हमको निकालना है, तो
अब यहाँ देखोगे सबसे पहले तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू तो 100 आएगा, है ना, ये हो गया आपका 100 परसेंटेज, ठीक है, इनटू 100 आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब किसको करना है, 60 केजी को, किस पे, 240 पे, ठीक है ना। तो जिस पे करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और जिसको लाना है यानी अब 60 केजी को हम कितना परसेंटेज होगा किसका, 240 का, तो 60 केजी ना, तो 60 केजी फर्स्ट क्वांटिटी जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो गया और ये सिक्स से गया, ये हो गया आपका 6 4 = 24 एंड देन 4 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो ये जाएगा आपका 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25%। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था ऐसे क्वेश्चन आए थे, और आने के चांसेस भी है ग्रेड 3 के एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25%, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है इफ 120% ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ एक वेरिएबल ए है और दूसरा बोल रहा है क्या, इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, और दूसरा वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, बी, है ना। और देन आपको फाइंड करना है बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब ये इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज और यहाँ ऑफ है, तो यानी इनटू ही है, तो ये परसेंटेज कैंसिल कर सकते हैं, जितना छोटा हो सका छोटा कर सकते हैं, बट मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, बट आपको एग्ज़ाम्स में करना नहीं है, ये डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो ये 100, ये 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 = 8, ये गया आपका 4 3 = 8, ठीक है, यानी आपको मिला 3a दैट इज इक्वल्स टू 2b, क्लियर। अब आपको चाहिए क्या, b प्लस a डिवाइड बाई b माइनस a, तो सबसे पहले a और b का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से ये हो गया 2 और ये डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अब a के लिए हम लोग 2 लेंगे और b के लिए क्या लेंगे, 3 लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है आपको, b प्लस a, यानी दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 5 और डिवाइड बाई b माइनस a, तो b कितना है, 3, 3 से 2 गया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, सो 5/1 यानी आंसर हो गया आपका 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया है 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब ये क्वेश्चंस में अब ये 10 ग्राम कितना परसेंटेज होगा 1 kg का, यानी 1 किलोग्राम का, ठीक है। तो अब इसका यूनिट ग्राम में है और इसका यूनिट किस में है, किलोग्राम में है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना होगा एक ही यूनिट में, क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चंस करते हैं या रेशियो क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ अब ग्राम मतलब दो यूनिट अलग अलग हो अगर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल यूनिट में लेकर आएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे, अब ये 10 किलोग्राम तो मैंने बताया भी था आपको, क्या लिखना होगा ऊपर, 10 ग्राम डिवाइड बाई, अब ये 1 किलोग्राम है, तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। तो ये हो गया आपका 1000 और ग्राम, अब कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में, तो ये हो गया 100, अब ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, अब यहाँ देखोगे 1 2 3, क्योंकि ये ऊपर इंटू होगा और ये नीचे, यानी ऊपर कितना हो जा रहा है, 10 को इंटू करेंगे, 10 को इंटू करते हैं 100 से, तो 1000 यानी कैंसिल होकर क्या होगा, ये पूरा तीनों जीरो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, यानी हो गया आपका 1%। तो आंसर हो गया 1%, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 50% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 30% ऑफ y, देन x रेशियो y आपको फाइंड करना है, यानी x बाई y आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे कि मैंने बताया भी था कि इस तरह का जब भी आए इनटू है आपस में इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, परसेंटेज पहले हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये जीरो से जीरो भी कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ 5x दैट इज इक्वल्स टू 3y, ठीक है। सो x बाई वाई दैट इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर और ये 5 इसके नीचे, सो आंसर हो गया 3:5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 9% इन डेसिमल, तो परसेंटेज को डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो दोस्तों यहाँ देखोगे कि 9% है, तो अब ये परसेंटेज को हम लोग पहले रिप्लेस करेंगे, तो नीचे कितना आएगा, ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि जब हम लोग नीचे, जैसे सपोज यहाँ पे लिखते हैं मैं 2.5, ठीक है, अब ये पॉइंट को रिप्लेस करना है, तो आप क्या करते हो, 25 डिवाइड बाई 10, मतलब ये पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो,
सपोज यहाँ वन लिखें तो और एक क्या बनाते हो आप, जीरो बनाते हो, है ना। तो अब इसको फिर अगर हम लोग फिर डेसिमल में लेकर आए अगर, तो अब ये क्या करोगे कि ये जितना जीरो होता है यहाँ वन होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जीरो, अगर सपोज दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे तीन जीरो है, सपोज ऐसे लिख देते हैं 2 3 5 7 3 और नीचे लिख दिए 1 2 3 0, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ कितना जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3, तो ये 1 2 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो कितना जीरो है, 1 2 0 है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा, अब ये 9 इधर से काउंट करेंगे हम लोग वन डिजिट, बट और एक डिजिट चाहिए आपको, तो उसके लिए अब डिजिट तो है नहीं, तो जीरो कहाँ लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, जीरो के इस साइड लेफ्ट साइड, 9 के इस लेफ्ट साइड लगाएंगे, तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और ये पॉइंट, ये जीरो, तो ये हो गया आपका 0.09। तो ये हो गया आपका डेसिमल में कन्वर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है, इफ 90% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, एंड ये अलग एक सेंटेंस है और बोला है कि b इज x परसेंट ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको वैल्यू x का फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखोगे कि a और b का हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अब ये परसेंटेज ये इक्वल है, इनटू है, यहाँ भी इनटू है, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, ये 30 से 90 गया 3 टाइम्स, यानी बचा क्या 3a, तो 3a दैट इज इक्वल्स टू b, है ना। तो अब यहाँ देखोगे आपसे ये फिर एक गिवन दिया हुआ है, b इज मीन्स हो गया आपका इक्वल, b इज x परसेंट, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो ये हो गया आपका नीचे 100 एंड देन a, तो a हो गया आपका ऊपर इनटू, ठीक है ना। तो अब देखोगे अब ये b की जगह, अब यहाँ देखो b है, यहाँ a है, ठीक है, और b का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3a, तो इसकी जगह हम लिख सकते हो 3a इक्वल्स टू a एंड देन x डिवाइड बाई 100, ये a कैंसिल। अब ये 100 को इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, इनटू होगा, सो 3 × 100 करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 300 और इक्वल्स टू क्या है x, सो x का वैल्यू क्या मिला आपका 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 300, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 125% ऑफ x इज 100 देन x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सेम वही उसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखोगे इज है यानी इक्वल है, ठीक है, 125% यानी 125 नीचे आ जाएगा आपका 100 और ये हो गया x दैट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 100, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे 4 ये ऊपर उस साइड जाएगा तो ये इनटू होगा और ये नीचे आ जाएगा आपका 5, इसीलिए मैंने बताया था ऊपर ऊपर आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये 5 से गया 20 टाइम्स में 100, ठीक है। अब 4 को 20 से इंटू करेंगे तो 4 × 8 यानी हो गया 80, सो x का वैल्यू मिला 80, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 80। तो दोस्तों आज मैंने परसेंटेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो अभी ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।